सीबीआई कोलकाता रेप कांड की गुत्थियां सुलझाने में लगी हुई है। इससे जुड़े सबूत और गवाह तलाशे जा रहे हैं। इसी बीच सच और झूठ का पता लगाने के लिए 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा चुका है। लेकिन अब आरोपी संजय रॉय से जुड़ी नई जानकारी सामने आई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि संजय सीबीआई से पूछताछ में बड़ा खुलासा कर चुका है। उसने बताया कि जब उसने डॉक्टर को देखा तो वो पहले से ही मृत थी और उसकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। टेस्ट के दौरान ही उसने बताया कि 8 अगस्त की रात को वो गलती से सेमिनार रूम में घुसा था, क्योंकि एक मरीज की हालत खराब थी जिससे ऑक्सीजन दी जानी थी और उसी मरीज के लिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौड़ भाग में एक थर्ड फ्लोर के सेमिनार रूम में वो घुसा, जहां उसने डॉक्टर की बॉडी को देखा। उसने बॉडी को हिलाकर देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वो घबरा कर वहां से भागा। इसी दौरान किसी चीज से टकरा कर वो लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय रॉय ने दावा किया कि वो ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने ये भी दावा किया कि घटना वाले दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और न ही किसी ने उसको अंदर जाने से रोका। वहीं ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें घटना के बाद क्राइम सीन पर 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा भी कुछ लोग वहां गए थे। इसी वजह से सबूतों से छेड़छाड़ होने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये तस्वीरें घटना के दिन यानी 9 अगस्त को सेमिनार हॉल के अंदर जांच पूरी होने के बाद की हैं और वायरल तस्वीर में दिख रहे लोगों को वहां जाने की अनुमति पहले से ही थी।